सबसे पहले मैं श्री शंकर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि शंकर चैनल इतना ऑलरेडी इतना फेमस है, चैनल एस्टैब्लिश है, तो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि उसमें प्रवचन है, भागवत है, गाना है। हाँ, तो ख़ास है आषाढ़ एकादशी के दिन इस श्री शंकर चैनल ने एक इतना बड़ा महोत्सव किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और हमेशा मुझे चेन्नई में गाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतना यहाँ पे दर्दी लोग हैं और इतना अच्छा सुनने वाले हैं, श्रोता है, तो मुझे हर बार चेन्नई में आने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज पूरा 2 घंटे का भजन गाने के लिए मिला, वो शंकर चैनल से ही मिला, क्योंकि अब जब भी हम दूसरा प्रोग्राम में आते 3-4 गाना गाते, लेकिन आज मन भर के पूरा 2 घंटे का भजन गाने के लिए एक मौका मिला, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज जैसे मैंने कहा, पूरा ये 2 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन इसमें पूरा मिक्स है, पहले जो प्रवचन था जो स्वामी जी का, तो वो भी मतलब एक आज मुझे ऐसा लगा कि एक अलग तरीके का एक कॉन्सर्ट है, आज का अलग कॉन्सेप्ट था। और सबसे पहले मुझे ये अच्छा लगा कि जब भी मैं स्टेज में बैठा तो पूरा स्टेज इतना अच्छा डेकोरेट किया है, बहुत कम मिलता है, क्योंकि पीछे भगवान है जो गा रहे हैं हम, विट्ठल का, विट्ठल पीछे भगवान, इतना अच्छा इसको सजाया है पूरा स्टेज, ऑडियंस का क्या बोले कहें, चेन्नई के ऑडियंस। तो आज जो प्रोग्राम हुआ आषाढ़ एकादशी का, ये जो कॉन्सर्ट था, बहुत अच्छा लगा। और एक बार मैं श्री शंकर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।